अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, धान के हवाले से एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि फसल के बीज की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और एक अच्छी फसल के लिए जरूरी है कि उसका बीज सेहतमंद हो। मेरा नाम है अली फयाज, और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को पंजाब मीडिया को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आपका मजीद टाइम ना लेते हुए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप पिछले साल वाला बीज बगैर ट्रीटमेंट लगाते हैं तो उसमें बहुत सी पिछले साल वाली बीमारियां रह जाती हैं और जिससे फसल बहुत ज्यादा मुतासर होती है। तो फ्रेंड्स, सारी फसल खराब हो सकती है और बड़े नुकसान का अंदेशा हो सकता है। फ्रेंड्स, धान की फसल में जो पिछले साल की बीमारी रह जाती है उसका नाम है बेकानी। और अगर बेकानी की पहचान किस तरह की जाती है, और ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, जब आप धान की पनीरी लगा देते हैं और अगर बेकानी की बीमारी ना हो तो सारी फसल का कद एक जैसा होगा, और अगर फसल का कद एक जैसा नहीं होगा और ज्यादा पौधे छोटे होंगे और कुछ पौधे कद में काफी लंबे हो जाएंगे, और अगर वो सूखना शुरू हो जाएंगे तो उसका मतलब है आपकी फसल पर बकानी का हम अटैक हो चुका है। तो दोस्तों, देखा आपने, आपने बकानी की निशानी आपको बताई, इसकी कैसी सूरत हाल होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, अब हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जितनी मर्जी स्प्रे करिए, आप इसका इलाज नहीं कर सकते। अगर आपने इस बीमारी को रोकना है तो इसके लिए आपको पनीरी लगाने से पहले बीज की सही ट्रीटमेंट करना होगी, ताकि बीज पर मौजूद पिछले साल की बीमारी खत्म हो और बेकानी की बीमारी से फसल महफूज हो। देखा फ्रेंड्स आपने कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसा ये पूरा सिस्टम है, मजीद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि बीज की ट्रीटमेंट का तरीका। तो फ्रेंड्स, बेकानी की बीमारी फंगस की वजह से होती है और इसका इलाज भी फंजिसाइड से ही करिएगा, और इसके लिए आपको थेफेनेट मेथले जहर का नाम है, और इसको 2 ग्राम लेकर 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में डालकर अपने बीज लगा दीजिए। और जब आप बीज को भगो कर किसी ठंडे और सायादार जगह पर रखेंगे तो आप वक्तन फवक्तन से ये जहर वाला पानी उसके ऊपर डालते रहिए, और 24 घंटे तक बीज को इस तरह रहने दीजिए, और इंशाल्लाह आपके बीज पर कोई बीमारी हमला नहीं करेगी और फसल महफूज और पैदावार बेहतर होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।